but this, that this, jo this, then this, chit this, then this, or this, jolis, jolis. टीचिंग एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी जो आपको रातों रात आपकी सारी की सारी जो है फाइनेंशियल इश्यूज को सॉल्व कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज सिंह और स्वागत है आप सभी भाइयों दोस्तों बहनों का हमारे इस चैनल वॉन्डरिंग सोल में। आशा करता हूं आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और मुस्कुरा रहे हैं। काफी समय से जो है हम इंग्लिश टीचिंग के ऊपर काफी वीडियोज पोस्ट कर रहे हैं और आप लोगों के काफी सवाल जो है हमारे पास आ रहे हैं। एक सवाल जो लोगों को हमेशा खटकता है कि भाई आप पैसे पैसे के बारे में तो बोलते हो लेकिन आपने कितने पैसे सेव कर लिए उसके बारे में आपने कभी बताया नहीं। हालांकि मैं हमेशा संकोच में रहता था ये पैसे वगैरह को लेके कभी वीडियोस वगैरह बनाना मेरे मतलब कि चरित्र में ऐसा नहीं है शो ऑफ करना, लेकिन चूंकि काफी लोग जो है हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और डेफिनेटली फाइनेंशियल इश्यूज के चक्कर में ही कर रहे हैं और एक दिमाग में है यार कि एक अपॉर्चुनिटी है तो क्यों नहीं ग्रैब किया जाए। और मैं आप सभी लोगों को बोलता हूं, जितने भी आप भाई लोग यार कॉल सेंटर में लगे हुए हो, केपीओ में लगे हुए हो, बीपीओ में लगे हुए हो, आप अच्छी इंग्लिश बात कर लेते हो यार अच्छे से, आप क्यों नहीं इस जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हो। और ये सबके लिए ओपन है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, सबके लिए ओपन है, नेटिव नॉन नेटिव सबके लिए, जो भी इंग्लिश भाषा को बोल सकता है। लेकिन फिलहाल समय ज्यादा ना गवाएं, हम आपको लेकर चलते हैं 2020 में जहां पर हमें तकरीबन 6 महीने काम करते हुए हो चुके थे और हमारी जो है एक पार्ट टाइम जॉब की एवरेज जो सेविंग्स है वो हम आपके साथ आज के वीडियो में शेयर करना चाहते हैं। आज की खुशी का रीजन ये है कि भाई अपने को 6 महीने कंटिन्यूस वियतनाम में काम करते हुए हो चुके हैं। आप वियतनाम में रहते हुए कितने पैसे सेव कर सकते हैं तो मैं आपके सामने, हालांकि ये करना तो नहीं चाहिए, पता नहीं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपके सामने अपनी सारी कैश मनी आज काउंट करने वाला हूं। क्योंकि मेरे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो मैं सारे के सारे जो पैसे हैं वो आपके सामने गिनने वाला हूं। मेरे को 6 महीने से ज्यादा वियतनाम में काम करते हुए हो गया है। ये मेरा एक टेम्पोररी प्लान था कि मैं ट्रैवल करते हुए आऊंगा, वियतनाम में रुकूंगा, पैसे कमाऊंगा, गियर अपग्रेड करूंगा। हाँ, मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो पैसे मैंने सेव किए हैं ये एक एवरेज वर्क के दौरान मैंने सेव किए हैं। मेरे को 1 महीने में पार्ट टाइम जॉब मिली और उसके बाद से धीरे 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 करके मैं एक एवरेज मनी पे आया। तो ये जो जितनी मेरी इनकम है ये आप समझ लीजिए कि एवरेज इनकम है। आप जब फर्स्ट 6 मंथ्स या फर्स्ट 3 मंथ्स आप वियतनाम आते हैं तो आप मंथली एक्सपेंसेस आप उसी हिसाब से पहले सामान निकालते हैं फिर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ये भी तो भाई सबसे पहले आपको बता दूं यहां पर जो है नोट जो है वो मिलियन के हिसाब से होते हैं, यानी आपकी सबसे बड़ा जो नोट है यहां पे वो 500,000 का है जो कि हाफ अ मिलियन होता है। यानी कि दो नोट अगर 500 के मिला दिए जाएं तो जैसे हमारे यहां 1,000 रुपए होते हैं यहां पे 1 मिलियन वियतनामीज डोंग होते हैं। अब ये 1 मिलियन वियतनामीज डोंग कितना होता है ये मैं आपको
वीडियो के एंड में बताऊंगा, हालांकि आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। इसको बाद में काउंट कर लिया, निकालते हैं। ला ला ला, ओ वाओ, सी माय चाइनीज मनी इज आल्सो देयर। ये है सेकंड बंच जिसको मैं काउंट करने वाला हूं। पहले आते हैं फर्स्ट बंच पे, काउंट करते हैं कितने हैं ये। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, अट्ठाईस, उनतीस, तीस, इक्कीस, बत्तीस, छत्तीस, पैंतीस, तैंतीस, छत्तीस, सैंतीस, अड़तीस, उनचालीस, चालीस, इकतालीस, बयालीस, चौवालीस, पैंतालीस, छियालीस, सैंतालीस, अड़तालीस, उनचास, पचास, इक्यावन, बावन, तिरपन, चौवन, तिरपन, छप्पन, 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 साठ, इकहत्तर, सत्तर, चौसठ, सड़सठ, और ये 100। क्या बात है यार, मेरी हिंदी की गिनती भी मतलब ये भी 100 तक है। इतने समय अंग्रेजी में बात करते करते, लेकिन मातृभाषा जा नहीं सकती। तो ये भाई साहब आपके हो गए 100 नोट 500 के, यानी 50 मिलियन। This is 50 million Vietnamese dong, 100 नोट 500 के वैल्यू है। आइए दूसरा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस, तीस, इकतीस, बत्तीस, तैंतीस, चौबीस, छत्तीस, सैंतीस, सैंतीस, छत्तीस, चौबीस, चालीस, इकतालीस, चालीस, चालीस, चौबीस, चालीस, 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 पचास, पचास, इक्यावन, बावन, तिरपन, चौवन, छप्पन, छप्पन, सत्तावन, सत्तावन, पचपन, इकसठ, बासठ, पैंसठ, चौंसठ, पैंसठ, छियासठ, सड़सठ, बासठ, उनहत्तर, सत्तर, 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 तिहत्तर, सत्तर, सत्तर, छिहत्तर, सत्तर, उनासी, अस्सी, इक्यासी, बयासी, तिरासी, तिरासी, अठासी, छियासी, सतासी, अठासी, नवासी, नब्बे, इक्यानवे, बानवे, तिरानवे, चौरानवे, पंचानवे, छियानवे, संतानवे, अंठानवे, निन्यानवे, सौ, एक, दो। ओ भाई साहब, ये तो 102 हैं। क्या बात है, 102 का मतलब हुआ कि 50, 51, 51 मिलियन। सो दिस इज 50 मिलियन, दिस इज 51 मिलियन। आइए अब छुटपुट नोट काउंट करते हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 50, 100, 200, 300 और 500, 520। ये है भाई मेरी टोटल सेविंग्स जो कि है 101.5 मिलियन, 101.5। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो भी 6 महीने में मैंने यहाँ पर सेव किए हैं। सेव, कमाने की बात तो हम आपसे बाद में करेंगे। तो सारा कुछ, सारा इसमें आपके बॉर्डर रन्स भी हैं जो मैं अभी तक करके आया हूँ, इसमें आपके सामान भी खरीदे हैं मैंने, सारा कुछ जो भी किया है। तो ये टोटल मेरी जो है 6 महीने की आइडल सेविंग्स है। आप इससे भी ज़्यादा सेव कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है थोड़ा हेल्पफुल लगे कि आप कितने सेव कर सकते हैं, और जहाँ तक मैंने आपको थोड़ा हेल्पफुल लगे कि हाँ आपको एक नॉलेज मिले कि आप कितना सेव कर सकते हैं, कितने पैसे आप यहाँ पर कमा सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि ये पैसे एक्चुअली में कितने हैं, तो 3.33 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि ये जो अमाउंट है वो तकरीबन 3.25 लाख, 3.5 लाख रुपए के आसपास है। ज़्यादा नहीं दोस्तों, 3.5 लाख मैं ज़्यादा कह रहा था, 3,08,000 रुपये करेंसी कन्वर्टर के हिसाब से। ये 50 मिलियन जो मैं सिर्फ गियर्स अपग्रेड करने में यूज करूंगा, ये जो मेरे पैसे हैं इनको मैं सेव करके रखूंगा आगे ट्रैवल के लिए। इसमें थोड़े बहुत और ऐड होंगे शायद। मैं क्या क्या लेने वाला हूँ
ये एक। तब तक आप दूसरे वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। मैं राज सिंह आप लोगों से अलविदा चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो भाई साहब लाइक शेयर कमेंट कर देना अगर सकते।